में गंगा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ है, पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में उसी तरह श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। ऐसा करके भागवत के अंत में बताया गया व्यास जी के द्वारा। तो शंकर जी परम वैष्णव हैं, किस तरह अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, किस मर्यादा से, किस अनुराग से, किस निष्ठा से, तो शंकर जी से सीखिए। और इसलिए भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु माना गया। तुम त्रिभुवन गुरु, आप तो त्रिभुवन के गुरु। वेद ये कहते हैं, ये बात किसी रागी अनुरागी व्यक्ति के मुख से निकली है, ये बात नहीं है। जो महादेव का बड़ा पक्षपाती हो, ऐसे किसी आदमी के द्वारा निकली है ये। वेद कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। साधारण जीव क्या जा, और परांबा इसको प्रमाणित करती है। त्रिभुवन गुरु है भगवान शंकर, इसका मतलब है चाहे आप गणेश की आराधना करने वाले गणपत्य हो, चाहे आप शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, आपके लिए शिव तत्व अनिवार्य है साधना के पथ पर। शिव तत्व की उपेक्षा करके, शिव तत्व का अस्वीकार करके कोई अपने साधना के पथ पर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बिन गुरु हो ई कि ज्ञान, ज्ञान की हो ई विराग बिनु, गा वही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। दक्ष ने शिव तत्व का विरोध करके यज्ञ किया तो क्या हुआ, सिद्धि मिली नहीं। जान गवाई, उपहास के पात्र बना, उपहास का पात्र बना, तो कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, चतुर क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन शिव तत्व की उपेक्षा करके कोई सिद्धि, साधना के पथ पर सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो रामेश्वर, राम ही जिनके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो रामेश्वर, या तो जो राम के ईश्वर है, राम के स्वामी, जिनकी स्थापना और जिनका पूजन यहां पर स्वयं श्री राम ने किया, जो राम के आराध्य है, वो रामेश्वर। तो दोनों प्रकार से अर्थ निकलता है। रामेश्वर नाम बड़ा प्यारा है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर केदार, और यहां भारत के बिल्कुल दक्षिण में भगवान रामेश्वर। कहीं विश्वनाथ होकर बैठा है और कहीं सोमनाथ होकर के बैठा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और कभी मध्य प्रदेश में महाकाल के रूप में। वैसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग माने गए हैं,
एक श्लोक ऐसा है जिसमें कहा गया है कि भारत के चारों दिशाओं में चार नाथ और एक बीच में है पांच नाथ है। जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बदरीनाथ चतुष्कोणी। पूरब में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बदरीनाथ और मध्य में श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी। पंचनाथा सुरेश्वरा, ये हरि विष्णु के पांच रूप। जहां जहां हरि है वहां वहां हर है। जगन्नाथ है तो विश्वनाथ भी है, रंगनाथ है तो यहां साथ में रामेश्वर भी है, द्वारकानाथ है तो वहां बगल में सोमनाथ भी है, और बद्रीनाथ है तो साथ में केदारनाथ भी बैठे, और श्रीनाथ, श्रीनाथ के बगल में ही वहां एकलिंग जी महाराज, वहां भी पास में ही थोड़ा दूर ही शंकर जी का बड़ा प्राचीन और बड़ा महत्व रखने वाला स्थान है। तो जहां जहां हरि बैठे हैं वहां बगल में हर बैठे, उनकी आराधना करने। तो भगवान शंकर जिनके आराध्य हैं, राम के जो ईश्वर हैं आराध्य हैं, वो रामेश्वर, या तो राम को ही जो अपना ईश्वर आराध्य मानते हैं वो रामेश्वर। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, वो जो गीता वाली बात है। रामेश्वर शब्द में, नाम में दोनों भाव प्रकट होते हैं, जो राम के आराध्य हैं वो रामेश्वर, या तो राम ही जिनके ईश्वर हैं आराध्य हैं वो रामेश्वर। तो दोनों नाम भगवान शंकर, दोनों भाव से ये बात सही है। तो आज भगवान रामेश्वर के पावन सान्निध्य में हम सब एकत्र हुए हैं उस कथा को लेकर जिसको भगवान शंकर बहुत प्रेम करते, जिस कथा के प्रति शंकर जी का बड़ा अनुराग। राम कथा नित शिव जी गावे, तीन बातें करते हैं, या तो समाधि लगाते हैं, या तो राम नाम जपते हैं, या तो कथा सुनते हैं या सुनाते हैं। कथा, नाम और ध्यान, तीन को पकड़ा है शंकर जी। योगीश्वर हैं तो समाधि में रहते हैं। शंकर स्वरूप सहज स्वरूप संभारा तो लागी समाधि अखंड अपारा। सहस सतासी बीते संबत सहस सतासी हजार वर्ष पर्यंत समाधिस्थ रहे। तो या तो समाधि में रहते हैं, या तो समाधि जब खुलती है और कोई न हो आसपास तो अपने इष्ट का नाम जपते हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराति, नाम जप करते। और यदि कोई हो साथ में पास में तो कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, कोई कहने वाला मिल जाए जैसे अगस्त्य जी, हाँ कुंभज ऋषि, तो श्रोता बनकर के बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते हैं। कभी भुशुंडी को सुनाते हैं, कभी भवानी को सुनाते हैं। तो तीन बातें हैं, या तो समाधि में रहते हैं, या तो नाम जप करते रहते हैं, या तो भगवान की कथा का आश्रय किए हुए महादेव जी मिलते हैं।
तो हम भी इसी तरह से कथा से शुरुआत करें। कथा श्रवण करते करते, कथा का जब ये आश्रय करें तो पहले श्रवण, पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, फिर कीर्तनम। तो पहले कथा श्रवण करें और भगवान की कथा किसी संत के मुख से सुनने से भगवान के प्रति अनुराग होता है, कथा के प्रति एक लगाव होता है, सत्संग में रुचि बढ़ने लगती है और भजन में आनंद आने लगता है। और ये बात हो गई, ये भागवत का ही सिद्धांत है, क्योंकि कथा श्रवण से पाप नष्ट होते हैं और मन की शुद्धि होती है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जिस प्रकार वर्षा का पानी मटमैला होता है जब गिरता है धरती पर, तो पानी तो बहुत भर जाता है धरती में, जहां तहां तालाब में सरोवर में, लेकिन वो मटमैला होता है वर्षा में। और शरद ऋतु जब आती है तो वर्षा के बरसे हुए उस पानी को एकदम निर्मल कर देती है। बस उसी तरह भावना का पानी तो हम सब के हृदय में है, लेकिन वो थोड़ा दूषित है, मैली है भावना। तो भगवान की कथा क्या करती है? बोले उस भावना के जल को बिल्कुल निर्मल कर देती है। और जब भावना मन की निर्मल हो गई, विशुद्ध हो गया मन, तो फिर भगवान में, भगवान के नाम में अनुराग होने लगेगा। वो भीतर का वो जो मैल है, वो जो गंदगी है मन की, वो भगवान के प्रति, भजन के प्रति अनुराग नहीं होने दी। व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं, नाम जप का कभी मन नहीं होता। जिंदगी बीत जाती है, बीत गए दिन भजन बिना। तो जब भजन के प्रति अनुराग होता है तो वो पछतावे वाली बात, संसार की इसी आसक्ति में जिंदगी पूरी हो जाती है, न भजन के प्रति कोई लगाव पैदा होता। तो पहला जो सोपान है साधना के पथ पर, वो है मन की शुद्धि का। और मन की शुद्धि के लिए सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ उपाय है हरि कथा का आश्रय करना। भगवान शंकर भगवत कथा का आश्रय करते। सुनिए और सुनाइए, हरि कथा का आश्रय करें, उससे मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो भजन के प्रति लगाव बढ़ेगा। और तब राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। तुम अपने राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु राम के नाम का जप, राम नाम का स्मरण। और ये करते 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 जब उस परम चेतना से एक हो जाते हैं, समाधि, योग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये कह सकते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने से जब मन शुद्ध होता है तो भगवान की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उस रास्ते पर, उस पथ पर हम अग्रसर होते हैं। लेकिन वहां आगे बढ़ने के लिए जो बल चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो राम नाम से मिलती है। राम नाम की शक्ति से जब पहुंच गए तो समाधि, या तो भगवान शंकर समाधि में रहते हैं,
जब समाधि से उतरते हैं, खुलती है समाधि, अकेले होते हैं तो राम नाम स्मरण करते रहते हैं, जपते रहते हैं, या किसी के संग में रहते हैं तो कोई लौकिक बातें नहीं, कोई लौकिक चर्चा नहीं, बस हरि कथा का आश्रय करते हैं। तो या तो समाधि में रहो, ऊंची बात है, वो नहीं होता तो अकेले में जब रहो तो स्मरण करते रहो, जपते रहो, मन नहीं लगता तो किसी साधु पुरुष के संग में रहो और कथा श्रवण करो। इसमें तो मन लग ही जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा की ये महिमा। तो या भगवान शंकर समाधि में रहते हैं, या राम नाम जपते रहते हैं, या तो कथा का आश्रय करते हैं, कभी सुनते हैं कभी सुनाते हैं।